बिहार सरकार ने अन्नदाता किसानों की आय को बढ़ाने के लिए एक नई योजना की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन कार्यक्रम के तहत 2200 मधुमक्खी बक्से लगाए जाएंगे, जिससे किसान कम लागत में अच्छी आय कमा सकेंगे। बिहार सरकार की तरफ से इस योजना के तहत मधुमक्खी पालकों को 75 से लेकर 90% तक सहायता प्रदान की जाएगी। गौरतलब है कि इस योजना का लाभ बिहार के सैकड़ों किसान ले रहे हैं। आपको बता दें कि इस योजना के अंतर्गत सरकार 4,000 रुपए प्रति लागत वाली मधुमक्खी की पेटी, सामान्य जाति को 1,000 रुपए और SC/ST को 400 रुपए में मधुमक्खी के बक्से और छत्ते दे रही है। इसमें सामान्य जाति को 75% और SC/ST को 90% तक की सब्सिडी दी जा रही है। इसके लिए कृषि मंत्रालय का बागवानी निदेशालय पोर्टल खोला जाएगा, जिसके जरिए लोग इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। सरकार ने इस योजना के तहत मधुमक्खी पालकों को 400 रुपए में एक बॉक्स और छत्ता प्रदान किया है। छत्ते में रानी, ड्रोन और श्रमिकों के साथ 8 फ्रेम होंगे, जिनकी आंतरिक दीवारें मधुमक्खियों और कलियों से ढकी होंगी। यह छत्ता 400 रुपए में बहुमुखी सब्सिडी के साथ मिलेगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि मधुमक्खी पालन से हर साल 40 किलो शहद प्राप्त होता है, जिसे बाजार में 400 से 500 रुपए प्रति किलो में बेचा जा सकता है। इस तरह मधुमक्खी पालक हर साल 16,000 रुपए से 20,000 रुपए तक की कमाई कर सकते हैं। यह योजना किसानों को कम लागत में अच्छी आय कमाने का एक अवसर देती है और उन्हें आर्थिक सुरक्षा में मदद करती है। आइए अब आपको बताते हैं कि इस योजना के लिए आपको किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी। किसान आधार कार्ड, पैन कार्ड, खेत के कागजात, मोबाइल नंबर, बैंक की अकाउंट डिटेल, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र चाहिए। इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको सबसे पहले बिहार सरकार के उद्यान निदेशालय की साइट horticulture.bihar.gov.in पर जाना होगा। यहाँ बागवानी मिशन योजना पर क्लिक करें। अब DBT नंबर डालें। यहाँ मधुमक्खी पालन योजना पर जाकर फॉर्म भर दें। लास्ट में कैप्चर कोड भरने के बाद सबमिट पर क्लिक कर दें। आपको बता दें कि इस योजना का लाभ बिहार के सैकड़ों किसान ले रहे हैं।